अल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडर डिस्कशन बोर्ड GDB विल बी ओपन 15 फरवरी 2021 एंड विल रिमेन ओपन फॉर 48 आवर्स। यू शुड पोस्ट योर कमेंट्स ASAP एंड शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। देर विल बी नो एक्सटेंड डे एंड GDB comments will not be accepted via email in any case. Note: GDB comments should not exceed 5 lines. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि GDB हमारी आई हुई है 609 की, तो इसका जो GDB का टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि majority of software we use daily are application software. मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर जो हम सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से यूज़ करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि वर्डप्रेस है, डेटाबेस है, वीडियो प्लेयर है, वेब ब्राउज़र है एंड मैनी मोर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अलावा और बहुत सारे। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक कंडक्ट बाय एडिसन रिसर्च, एक कंपनी है जी एडिसन रिसर्च, यानी एक रिसर्च की गई है बाय एडिसन रिसर्च से, US बेस्ड कंपनी है ये, स्पेशलाइजिंग इन मार्केट रिसर्च, ये मार्केट में रिसर्च करने की ही माहिर है, उसकी ही स्पेशल कंपनी है एंड सर्वे, और सर्वे करती है। 90% सॉफ्टवेयर कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड आर प्रोड्यूसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो इसने जो अपना सर्वे किया उसमें इस कंपनी ने बताया है कि 95% जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं वो किसके गिर्द घूम रही हैं जी, वो घूम रही हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के गिर्द ही। तो दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दीज कंपनीज, यानी अब इनकी कमाई का जरिया ये जो कंपनियां हैं इनकी कमाई का जरिया अभी यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जी, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ड्यू टू दिस मैनी क्रिटिक्स ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग आर्गो द डेट देयर इज नो नीड ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग इन टूडेज वर्ल्ड बिकॉज मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाई एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी जहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे अब इसके बारे में आजकल कहा जा रहा है कि अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की, सिस्टम प्रोग्रामिंग की मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। क्यों क्यों नहीं रही? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ डोमिनेटेड बाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एक तो इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियों की जो मेजोरिटी है उन्होंने अब एप्लीकेशन प्रोग्राम से ही अपना निज़ाम चला लिया हुआ है, उनका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी इसी से ही पूरा हो रहा है, जो कि अभी बताया 95 है। सिर्फ 5% कंपनी ऐसी हैं जो कह लें कि सिस्टम प्रोग्रामिंग पर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं, बाकी 95 जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर जा चुकी हुई हैं। देयर इज़ नो स्कोप फॉर सिस्टम प्रोग्रामर्स, यानी अब सिस्टम प्रोग्रामर्स का कोई स्कोप नहीं है एंड वी शुड डिवोट ऑल आवर रिसोर्सेज, हम अपने जो रिसोर्सेज हैं इनको कहता है कि इस्तेमाल करते हुए टूवर्ड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरफ बढ़े हैं जी। तो अब वो कह रहा है कि डू यू एग्री विद दिस ओपिनियन, क्या आप इस ओपिनियन से मुतफिक हैं कि अब सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही दौर है और सिस्टम प्रोग्रामर जो है इसका कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई दौर नहीं है, इसका दौर वक्त जो है गुजर चुका हुआ है। जितने सिस्टम प्रोग्रामर्स थे या ऑपरेटिंग सिस्टम बनने थे इनके ज़रिए से सिस्टम प्रोग्रामर की मदद से अब वो बन चुके हुए हैं, अब मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप लोग इस बात से एग्री हैं तो गिव सॉलिड रीज़न सपोर्ट योर आंसर, तो अपने कहते हैं जी सॉलिड रीज़न पेश करें अपने इस जवाब की। अगर आप डिसएग्री हैं तो उसकी भी ज़ाहिर है आप लोगों को इसकी सॉलिड रीज़न पेश करनी पड़ेगी जी। तो ये सारी हमारी GDB है जी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, तो ये बात जहन में रख लें, ये एक रिसर्च वर्क है, आप लोग रिसर्च करने जा रहे हैं किसके ऊपर, सिस्टम प्रोग्रामर्स के ऊपर, क्या आपको अब इनकी वाकई ज़रूरत नहीं रही, इनका स्कोप नहीं रहा या वाकई है। तो आइए पहले हम लोग सिस्टम प्रोग्रामर्स के वर्क को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक, मैंने तस्वीर एक ये नेट से डाउनलोड की है जी, यहाँ पर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम प्रोग्रामर्स ने बनाए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, और साथ में ये यूज़र लेयर है जी, यूज़र कह लें,
ये आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो यूजर है यहाँ पर अपने आता है एप्लीकेशन लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर पर आकर वो अपना काम करता है और चला जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उसे जानना जरूरी नहीं होता, बस उसकी एप्लीकेशन चल रही है, उसका काम हो रहा है, उससे कोई गर्ज नहीं, उसे कोई गर्ज नहीं है हार्डवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, ज़ाहिर है ये इंस्टॉल तभी हुई है अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को सपोर्ट करती है। तो बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दरमियान में आ रहा है ना हमारे हार्डवेयर के और एप्लीकेशन लेयर के। यूज़र आया एप्लीकेशन लेयर पर, उसने आकर अपना काम किया और चला गया। अब उसने हार्डवेयर को कैसे यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़ करता, अब उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं जाना। तो खैर, हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं, हार्डवेयर को यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से और हम लोग अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो मेरे नोटिस में है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, तो जिसको हम यूज़ कर रहे थे ये ब्लैक स्क्रीन होती थी। उसके बाद हम लोग विंडो पे आ गए, फिर विंडोज़ के भी आगे टाइप आ गई, विंडो XP आ गई, विंडो प्रोफेशनल आ गई, विंडो 98 आ गई, इसी तरह अब चलते चलते 7 और आज हम लोग 8 और 10 पर काम कर रहे हैं जी। तो विंडो 10 हो गई हुई है। अच्छा, अब विंडो आई तो विंडोज़ अपडेट हो गई, ठीक हो गई, 98 से 10 के ऊपर चले गए। अब अपडेट जब विंडोज़ को किया तो फिर हुआ क्या, उस वक्त हम लोगों ने एक तो इसको फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस बना दिया जी, ठीक हो गई, अपडेट करना शुरू कर देना, फ्रेंडली यूज़र बना दिया इसको, फिर इजी टू यूज़ हो गया, ये रिलायबल हो गई, ये विंडोज़ जो अपडेट होने के बाद इनकी स्पीड फास्ट हो गई, वर्किंग एल्गोरिदम को देखा हमने और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। फिर इंसान है, तखलीकी माइंड रखता है, सोचता रहता है, उसने नए आइडियाज़ सोचे, नई तखलीक आई, तो फिर नई ऐप्स भी आ गई। जब नई ऐप्स आई तो फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत भी पड़ी। जैसे आप लोगों ने अभी अपडेट किया, पहले डॉस पर थे, फिर विंडो पे आ गए, फिर विंडो को भी हमें अपडेट करना पड़ गया। यानी हमें जो अभी देख रहे थे कि इनका स्कोप है या नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि देयर इज़ नो स्कोप ऑफ सिस्टम प्रोग्रामर, ऐसा नहीं है। तो खैर, आगे मज़ीद चलते हैं, अभी बहस हमारी ख़त्म नहीं हुई। तो हम लोग विंडो पर आए, फिर विंडो को अपडेट करते रहे, मतलब हम रुके नहीं हैं, अभी चलते जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, सिस्टम प्रोग्रामर जो है वो काम करते जा रहे हैं, इसको बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो अब नई गेम्स आ गई, तो हम लोगों ने नेम्स गेम्स को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मज़ीद अपडेट किया और साइंस ऐप्स आ गई ताकि वो भी इजीली और फास्टली रन हो सकें, ठीक है जी, इसको काम करते गए जी। तो इसके बाद अब हुआ क्या, हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लिए हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं जी। इनमें विंडो आ गई हमारी, लाइनक्स आ गया, ब्लैकबेरी आ गई, एंड्रॉयड आ गया, डेबियन हो गया, OS आ गई, iOS आ गई, BSD हो गया, फ्री रोड्स, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जी जो हमारे अभी वाइडली यूज्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दो का डिफरेंस आपको बताया कि हम लोग डॉस से विंडो पर क्यों गए जी। तो इस पिक्चर की मदद से समझते हैं, डॉस में ये प्रॉब्लम थी कि डॉस जो थी वो सिंगल प्रोसेसिंग थी, सपोर्ट करती थी, जबकि विंडो जो है जो मल्टी को, इसलिए हम सिंगल से मल्टी पे चले गए। अब फिर जो डज नॉट सपोर्ट थी किसको, अच्छा, इसके बाद विंडो जो है प्रोवाइड प्लग एंड प्ले, जबकि डॉस जो है जो डज नॉट प्रोवाइड प्लग एंड प्ले, इसलिए हम विंडो पे आ गए। इसी तरह डॉस जो थी रिक्वायर्स लेस पावरफुल हार्डवेयर, तो विंडो जो थी अब इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़ाहिर है बढ़ गई, अगर हमारी ज़रूरियात बढ़ी हैं, हम सिंगल से मल्टी पे आए, प्लग एंड प्ले को छोड़ के प्लग एंड प्ले पे आए, तो फिर यहाँ पर लेस रिक्वायरमेंट थी हार्डवेयर कि यहाँ पर हमारी मोर पावरफुल हार्डवेयर भी अब हमें चाहिए थी। तो इसी तरह विंडोज़ डॉस में और इसी तरह जो पिछली विंडोज़ थी उनको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती रही। इस तरह इनके सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, इनके काम करने के भी थे, इनकी फैसिलिटेट के भी थे, यानी ऑपरेटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ख़त्म नहीं हुआ जी, ना ख़त्म होने वाला है जी। जो अब तक हमने देखा, रिसर्च किया, उसमें हमें यही कुछ मिला है जी। अच्छा, आगे फिर यही है, उसी को मज़ीद बता दिया गया कि 32 बिट से हम कहाँ चले गए, 64 बिट में। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे जो
सिस्टम प्रोग्रामर्स हैं, उनका काम ख़त्म हो गया, उनका स्कोप ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आगे अभी कंटिन्यू है जी, क्योंकि हम 32 से अब किस पर आ चुके हुए हैं, 64 बिट पे आ चुके हुए हैं। हमारी ज़रूरत बढ़ गई है, अब हमारी एप्स बढ़ गई हैं, हमारी काम करने की जो स्पीड है वो भी अब बढ़नी चाहिए, रिलायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर हम उस सारी ऊपर वाली बहस को देखने के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये मैंने एक वेबसाइट है अभी जो हालिया स्क्रॉल कर रही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। उसके ऊपर ये लिखा हुआ है टोटल लुबिलवाब के माइक्रोसॉफ्ट इज़ टोटिंग विंडो 10 एज द लास्ट वर्जन ऑफ विंडो, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये कह रही है कि विंडो 10 जो है हमारी लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। तो बिकॉज़ क्योंकि विंडो 10 इज़ मेंट टू रन एज ए सर्विस, विंडो 10 जो है वो क्या कह रहे हैं कि एज ए सर्विस रन कर रही है, लेकिन आगे जी विच मीन्स, जिसका मतलब है कि न्यूमरस कंपोनेंट्स विल बी इंडिपेंडेंटली अपग्रेड। अब इस सारे पैराग्राफ का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऐलान कर दिया हुआ है जी कि अब ये जो विंडो 10 है ये हमारी लास्ट विंडो है, आगे हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे। इसका मतलब कि अब ये वाली बात हमें दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही है कि अब इसका कोई स्कोप नहीं है सिस्टम प्रोग्रामर्स का, क्योंकि ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनेंगे ना ही सिस्टम प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो विंडो 10 बनी है इसके ऊपर जितने भी हम प्रोग्राम बनाए, कह लें कि एप्लीकेशन जो हम लोग बना रहे हैं, एप्लीकेशन बनेगी, तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें नई विंडो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। क्यों? क्योंकि हम इस विंडो 10 के पार्ट्स को इंडिपेंडेंटली अपग्रेड कर सकते हैं, ये फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर रख दी हुई है जी। तो ये कहाँ से मैंने पैराग्राफ लिया गया आपके साथ शेयर करता हूँ जी, ये साइट है जी आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही, द फीचर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर, यहाँ से मैंने लिया जी अभी हालिया बहस जो चल रही थी, यहाँ से इस पैरे को मैंने कॉपी किया जी, ये वाला टोटिंग विंडो 10 लास्ट वर्जन ऑफ विंडो। तो ये इसका इंटरफेस भी मैं आपको शुरू से दिखा दी, ये वाला ठीक है जी, फोकेलिटी फॉर्म है जी कोई, तो फीचर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके नीचे कुछ कमेंट्स किए हुए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये भी आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे, आपको आसानी पैदा कर देंगे यस और नो में जवाब देने के लिए। ये कमेंट किया गया जी, कहते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इज सॉफ्टवेयर डैट हेल्प्स द डिवाइसेज सपोर्ट द एप्लीकेशन डैट रन ऑन इट, द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है जी। तो एक तो भाई ने ये इस पर कमेंट किया हुआ है जी कि ये बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं जी, लेकिन इनमें जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए मैंने लिखा है, वैसे तो बहुत सारे कमेंट किए गए हैं, ये कमेंट को आप गौर से सुनिएगा जी। कहता है एंड्रॉयड सीम्स टू हैव अ फार वाइडर फ्यूचर एंड इज गोइंग टू प्ले इन द लॉन्ग रन, द रीज़न इज दैट्स मोर यूज़र फ्रेंडली than the other operating systems like operating system and windows। ये क्या कह रहा है, कहता है जी एंड्रॉयड जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका फ्यूचर जो है वसी होने वाला है, क्योंकि ये बहुत कहते हैं प्ले इन द लॉन्ग रन, बहुत देर तक चलने वाला है। इसकी रीज़न कहता ये है कि मोर यूज़र फ्रेंडली है दैन द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक OS ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़। कहते हैं ये विंडोज़ जो हमारी चल रही हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, और दिस आइडिया कैन बी रिकन्फर्म जी फ्रॉम द फैक्ट लास्ट 6 मंथ अराउंड 6 लोकल मोबाइल एंड कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग कंपनीज डन कॉन्ट्रैक्ट विद एंड्रॉयड, यानी जो 6 कहता लास्ट मंथ का जो काम है उसमें 6 लोकल मोबाइल्स कंपनियां जो हैं कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग वाली, उन्होंने क्या किया है कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड्रॉयड के साथ, किस लिए, फॉर यूजिंग देयर सर्विस, उनके सर्विस को यूज़ करने के लिए, एन ऑपरेटिंग एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी अब हम हो सकता है एंड्रॉयड की तरफ आगे बढ़ें, जब एंड्रॉयड की तरफ जाएंगे तो जाहिर है फिर इसी से रिलेटेड ऐप्स भी लिखी जाएंगी और नए नए आइडियाज़ इसी तरह आते जाएंगे इंसान के जहन में, और वो उनको इंसान के जहन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई ज़रूरियात के तहत इंसान उसी तरह की ऐप्स बनाएगा और उसी तरह हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी एप्लीकेशन या सिस्टम प्रोग्रामिंग को
बेहतर करने की, इस तरह हम यूँ कह सकते हैं कि देयर इज़ नो स्कोप फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया जी। मैंने आप लोगों के सामने दोनों रीजंस रखी जी, ऊपर आप लोग देखें तो मैंने वो तमाम रीजंस आपके सामने रखी हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अपडेट करने की ज़रूरत है, ये होते रहेंगे। सिस्टम प्रोग्रामर्स का स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप ख़त्म हो गया हुआ है। ये सारी एपिक्स आपको दिखाने का मकसद, ये सारी बहस का मकसद यही है कि इनका स्कोप ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आकर दूसरा मोड आ जाता है कि इनका स्कोप नहीं है, क्योंकि विंडो 10 जो है वो कह रही है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हमारी लास्ट विंडो है, अब हम कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे। अच्छा, अगर ये विंडो वाले ये बात कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले कि विंडो 10 जो है लास्ट वर्जन है, तो दूसरी तरफ आप लोगों ने अभी कमेंट देखा जो अभी दोस्त ने किया हुआ है, वो कहता है एंड्रॉयड जो है सेम है टू फॉर, यानी मुझे अब नज़र आ रहा है कि ये विंडोज़ की निस्बत जो है ज़्यादा फ्रेंडली है, कौन एंड्रॉयड। तो अब कहता है कि मुझे लगता है फ्यूचर में इसके ऊपर काम होने वाला है। तो अगर हम इस दोस्त के कमेंट को, जो इसने हमें रिसर्च बताया है कि लास्ट 6 मंथ के अंदर अराउंड 6 लोकल मोबाइल कंपनियों ने जो है किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एंड्रॉयड के साथ ना, यूजिंग देयर सर्विस, उनकी सर्विस को यूज़ करने के लिए एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि हम अभी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर रुके नहीं हैं बल्कि हम आगे मजीद बढ़ रहे हैं। तो जी, मैंने आप लोगों के सामने यस और नो दोनों आंसरों को रखा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कहते हैं कि डू यू एग्री, अगर आप एग्री हैं इसके साथ ओपिनियन के साथ, तो तब भी आप लोग अपनी रीजंस को अब लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप कहते हैं कि नो मैं इसके साथ एग्री नहीं हूं, तो तब भी आप अपनी रीजंस को बयान कर सकते हैं, ये जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। आप इनमें से किसी का भी इंतखाब कर सकते हो, इसके अलावा आप मज़ीद सर्च करके भी लिख सकते हो। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जी। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्या आप लोग इस बात से मुत्तफिक करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस और नो से, या एग्री और नो एग्री से। जी, एग्री और नो एग्री से कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।